असल स्टूडेंट्स आज का हमारा सबक है नज्म हमद और इसके अहम नुकात की वजाहत इसके अहम नुकात की वजाहत को समझने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि नज्म हमद के सवालात के जवाब खुद लिख लिख सकें तो सबसे पहले हम की तारीफ़ कि हम एक, एक ऐसी नज़म होती है जिसमें शायर पूरी नजम में हर बंद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है तो इस में भी शायर ने हर बंद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है तो ये हमद भी एक नज़म है तो नजम के शुरू में शायर कहता है कि मेरी हमेशा खुदा पर नज़र रहती है दिन हो या रात अंधेरा हो या शाम मुझे किसी भी किस्म का कोई भी खौफ नहीं होता क्योंकि मैं हर वक्त इस बात को ध्यान में रखता हूँ कि मेरा अल्लाह ताला या मेरा खुदा मेरे साथ है इसके बाद शायर कहता है कि जो आसमान से तारे टूट कर गिरते हैं जिनको साकिब भी कहा जाता है जब ये आसमान से टूट कर गिरते हैं तो ये अंगारों की सूरत में गिरते हैं ऐसा लगता है कि आसमान से आग बरस रही है तो लोग इन इन तारों टूटते हुए तारों को देख परेशान हो जाते हैं और मुख्तलि किस्म के वहम करने लगते हैं शायद हमारी किस्मत में कुछ बुरा होने वाला है या ये आसमान से बरसती हुई आग या अल्लाह ताला का कोई अजाब है तो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के वहम करने लगते हैं तो शायर कहता है कि मैं जब आसमान से टूटते हुए तारों को देखता हूँ आसमान से गिरते हुए तारों को देखता हूँ तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता और ना ही मैं किसी किस्म के वहम करता हूँ कि मैं आ, इस चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ से समझता हूँ कि ये जो भी आसमान से तारे टूट कर गिरते हैं ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हैं और मुझे इनसे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता क्योंकि अल्लाह ताला की मदद हमेशा मेरे साथ रहती है इसके बाद नज़्म में शायर ने कुछ हौफजदा करने वाले मकाम का जिक्र किया है कि जैसे सुनसान बेहबान अंधेरे वाली जगह या फिर मरघट या कब्रिस्तान मरघट एक आ, ऐसी जगह होती है जहाँ पे हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं तो शायर कहता है कि ऐसी जगहों से जब लोग गुजरते हैं तो परेशान हो जाते हैं याफसदा हो जाते हैं और वीरान सुनसान इलाक़े को देख के हौफसदा हो जाते हैं लेकिन शायर कहता है कि मैं जब ऐसी जगहों से गुज़रता हूँ तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता और मैं इस चीज़ को बिल्कुल देख के हौफजदा नहीं होता कि ये चीज़ ये जगह बिल्कुल सुनसान है या वीरान है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा अल्लाह ताला हमेशा मेरे साथ है और अल्लाह ताला इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं और नजम के आखिर में शायर ने जिगर कवि रहने का जिक्र किया है कि जब मैं इन ब्याबान और सुनसान मकाम से गुज़रता हूँ या यहाँ तक कि जब मैं समंदरी इलाकों से गुज़रता हूँ या जब मैं अपने घर से दूर हो जाता हूँ तो इसके बावजूद भी मेरा जिगर कवि रहता है क्योंकि जब इंसान अपने घर से दूर होता है तो वह परेशान होता हो जाता है या जब वो समंदरी इलाके से गुज़रता है तो समंदरी मखलूक और पानी को दे के भी इंसान परेशान हो जाता है खूफज़दा सा हो जाता है तो शायर कहता है कि मैं जब ऐसे मकाम से भी गुज़रता हूँ तो इसके बावजूद भी मैं परेशान नहीं होता और मेरा जिगर कभी रहता है जिगर कभी रहने से मुराद यह है कि अपने आप को ताकतवर महसूस करता है अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करता क्योंकि हर वक्त यह ख्याल उसके जहन में रहता है कि अल्लाह ताला हमेशा इंसान के साथ मौजूद हैं